हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। और आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि जो बच्चे 10th और 12th में असाइनमेंट जमा करना चाह रहे हैं या जमा करने जा रहे हैं अपने स्टडी सेंटर पर, तो वो जो 20 मार्क्स का असाइनमेंट होता है उसमें से 20 में से 20 नंबर कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 20 में से 20 नंबर कैसे मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो व्यूवर्स, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे वही आपका सपोर्ट चाहता हूँ, क्योंकि हम ये चैनल अपने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाते हैं और स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी होती है तो वो हमारे कॉलर्स को कॉल कर पूछ लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनकी सारी हेल्प की जाए। तो जाने से पहले, इस वीडियो को आगे देखने से पहले, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें, जिससे कि NIS की जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचती रहें। और हाँ, लास्ट में एक बात और कि आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि जैसे भी कोई नई वीडियो आती है या NIS की कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप उसका, आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और वैसे डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर है इस वीडियो के नीचे, आप उस पर जाकर क्लिक, उस पर जाकर आप वो नंबर सेव कर सकते हैं और हमारे कॉलर से, हमारी जितनी भी टीम है मिशन गाइड इंस्टीट्यूट की, उनसे बात कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम आपके घर बैठे बैठे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो व्यूअर्स, चलिए देखते हैं कि ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला था। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि 10th और 12th के अंदर हम लोग TMA जमा करते हैं, असाइनमेंट्स बच्चे बोलते हैं, वो असाइनमेंट जमा होता है। और ये क्लियर कर लीजिए कि हर सब्जेक्ट का एक एक असाइनमेंट होता ज़रूर है। कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सर प्रैक्टिकल वालों का होगा असाइनमेंट या नहीं, ऐसा कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें आप लोग। आप 10th में हो, 12th में हो, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, सबका असाइनमेंट जमा होता है। और हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट में कई नंबर जो होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो वो असाइनमेंट बनाना कैसे है, वो कैसे होता है, कैसे आप 20 में से 20 लगाते हैं, आप समझिए। मान लेते हैं कि मैं 12th क्लास में हूँ, या आप मान लीजिए कि आप 12th क्लास में हैं, आपके पास ज्योग्राफी का असाइनमेंट्स आ गया। अब वो बनेगा कैसे, ठीक है। कई बच्चों के पास बुक आती है असाइनमेंट्स की, कई बच्चों के पास अगर बुक नहीं आई है तो उसको आप NIS की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस। और अगर वहां से भी नहीं मिली है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको वो क्वेश्चंस सेंड कर देंगे जिससे कि आप उसे बनाने में आसानी हो जाए। तो आपको क्वेश्चन कहाँ से लेने, या तो आपको कहाँ से लेने, या तो आपकी बुक आती है आपके साथ, अगर बुक नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे। कई बच्चों की लॉगिन आईडी के अंदर आते हैं वो, लेकिन उसमें पुराने अपडेटेड है तो नई NIS की वेबसाइट पर जाकर बिल्कुल नहीं। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी जो जमा होंगे वो 2019 और 2020 वाले जमा होंगे, जो आने वाले अप्रैल 2020 और अक्टूबर 2020 के लिए बने हुए, तो वो आपको NIS की वेबसाइट डाउनलोड करने होंगे। अगर आपको वहां से नहीं मिलता है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको डाउनलोड कर दे देंगे। आपको क्वेश्चन मिल गया, पहली चीज आपको पूरा असाइनमेंट्स मिल गए, क्वेश्चन मिल गए, अब उसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको, जैसे मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास जो है ये PDF फाइल है, ये PDF फाइल में ये वाली पूरी जो फाइल है हमारे पास, ये PDF जो फाइल है, ये फाइल है हमारे पास, ठीक है। इसमें शुरू से लेकर देखिए कौन सा है, ये 2019-20 का है ना, तो इसमें सारे क्वेश्चंस के TMAs हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी आराम से, इसमें सारे क्वेश्चन सारे उनके हैं। देखो ये आप देखिए, ये सारे चैप्टर हैं इसके अंदर, ठीक है, सारे चैप्टर्स हैं। तो आप आराम से एक चैप्टर का वो ले सकते हैं, ठीक है। अब इसे पहला क्वेश्चन ये आ गया हिंदी का असाइनमेंट, तो इसके ये क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस ये आपको करने हैं, पहला क्वेश्चंस करना है, ठीक है। देखिए 20 मार्क्स का ये पहला क्वेश्चन करना है, पहले के दो में से कोई एक करना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था ज्योग्राफी का, अब जैसे मैं ज्योग्राफी निकाल देता हूँ, ये ज्योग्राफी का है, 316 कोड है इसका, 316 कोड है इसका। और इसका ये क्वेश्चन है, देखिए एक इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक हिंदी में लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, समझ में आ गए। जब भी आप असाइनमेंट सॉल्व करें इस चीज का ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन ये है क्या यही आप लिख रहे हैं, पता लग रहा है कि आपने 2018-19 का तो नहीं लिख दिया, या पता लग रहा है आपको कोई आपने पुराना लिख दिया। अपडेटेड आप हमसे डाउनलोड करवा सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको कंपेयर करने, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो क्वेश्चंस आप ले रहे हैं ये क्लियर करना है कि वो उसी सेशन का है। दूसरा, क्या उसी का आंसर आप लिख रहे हैं या किसी और का, ठीक है। तो जैसे ये मैंने आपको दिखाया, तो अब मैं आपको TMA दिखाता हूं कि हमने कैसे बनाया।
ये देखिए इसका जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंग्लिश मीडियम है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ह्यूमंस आर मेजर एजेंट्स। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये रहा, ह्यूमंस आर मेजर एजेंट्स ये है, और सेम यही क्वेश्चन का आंसर हमने इसमें लिखा हुआ है। देख रहे व्यूअर्स, तो इस तरीके से आपको सेम क्वेश्चन का आंसर लिखना, कभी आप उल्टा सीधा लिख दो। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि आपको सही क्वेश्चन लेना और उसका सही आंसर लिखना है। क्लियर हो गया व्यूअर्स? दूसरा स्टेप क्या है आपको 20 में से 20 नंबर लाने का? दूसरा स्टेप ये है कि आपको ये क्लियर रखना है कि आप जो अप्रैल में जमा होगा, जैसे हम अगर हमें अभी की बात करें तो अप्रैल में जो जमा होंगे वो 2019 और 20 का टीएमए होगा, तो वही जमा करना। अगर आपने अगर गलत जमा कर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगी। तीसरा स्टेप क्या है, जैसे मैंने ये फाइल बनाई है, ये फाइल है, ये इस तरीके से मैंने इसमें बनाई है, ये इस तरीके से मैंने बनाई है, आप इस फाइल को और भी अंदर सुंदर पेजेस से बना सकते हैं, कलरफुल पेज भी यूज कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर कलर फिर जितना कलरफुल यूज करोगे, अच्छा यूज करोगे, आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। तो तीसरा स्टेप क्या हुआ कि आपको कलरफुल पेज भी यूज आप कर सकते हैं, इससे अच्छी फाइल भी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी ये प्लास्टिक की फाइल यूज करी है, तो आप इससे कोई भी अच्छी फाइल यूज कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेप हुआ। चौथा क्या है? चौथा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो स्लिप लगाई है मैंने, देख रहे हैं आप, ये जो स्लिप लगाई है, ये स्लिप आपको लगानी जरूर है, ये जो स्लिप लगाई है आपको फर्स्ट पेज पे लगानी जरूर है। इस पर आपका नाम, स्टडी सेंटर का नाम, आपका जो ट्वेल्थ है, आपके सब्जेक्ट का नाम और आपका एनरोलमेंट नंबर, ये जरूर लगानी। अगर ये नहीं लगाई तो समझ लीजिए आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा। चौथी चीज क्या हो कि आपको स्लिप जरूर लगानी है, ठीक है व्यूअर्स? इसका फ्रंट पेज भी बना सकते हैं, जैसे हमने एक पेज बना रखा है अपने इंस्टीट्यूट का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप इस तरीके से फ्रंट पेज भी बना सकते हैं, जैसे हमने अपने इंस्टीट्यूट का बना रखा, आप इसको हटा देंगे ये बनाकर, और यहाँ अपना नाम और केमिस्ट्री का असाइनमेंट लिख सकते हैं। आप ऐसा फ्रंट पेज कलरफुल भी बना सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। चौथा मैंने बोला था कि अब जो आप नाम लिखें वो बड़ा साफ लिखें, जिससे कि आपका जो सबमिट हो वहां पर बिल्कुल सही तरीके से सबमिट हो जाए, ठीक है। एक चीज और है इसमें कि आप ना ये जब स्लिप जमा करेंगे तो वहां जाकर वो साइन जरूर ले लें, टीचर से बोले कि सर हमारा अपडेटेड हो गया है ना, हमारे उस पर साइन करवा लीजिएगा। अगर साइन आपने नहीं करवाया है तो आपका असाइनमेंट वहां सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना। तो 5-6 स्टेप्स होते हैं इसमें, 5-6 चीजें इसमें 20 में से 20 मिलेंगे। पहला कि आप उसी सेशन का डाउनलोड करें जिस सेशन का है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उनसे मंगा सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको उसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, अगर उल्टा सीधा लिखें तो आपको आंसर उसका नंबर नहीं मिलेंगे। तीसरा क्या है, आप फाइल सुंदर से सुंदर बना सकते हैं, कलरफुल पेज भी यूज कर सकते हैं। चौथा ये है कि आप स्लिप जरूर लगा के रखें। पांचवा ये है कि आप जब वहां सेंटर पर जाएं तो वहां उनसे साइन करा लें, ठीक है। सिक्स्थ ये है कि अगर आपको ये बने बनाए प्रैक्टिकल चाहिए तो हम आपके लिए बने बनाए प्रैक्टिकल भी भेज देंगे, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए प्रैक्टिकल मिल जाए तो हम आपको, आप हमारे नंबर पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहां पर आप कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है जो नीचे फ्लैश हो रही है, www.missionguide.in पर भी जाकर आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे कैसे असाइनमेंट बना रहे हैं। तो हमारे जितने भी कॉलर्स हैं या जितने भी हमारी टीम है वो आपकी हेल्प के लिए रेडी है, ठीक है व्यूअर्स। तो हम ऐसा बना हुआ भी असाइनमेंट आपके पास भेज देंगे, और ये जो ऐसा एक पीडीएफ हम भेजते हैं स्टूडेंट्स के पास, तो आपको ये इस तरीके से ये शॉर्ट पीडीएफ भी हम आपके पास भेज देंगे। आप समझ रहे हैं व्यूअर्स? तो ये आपके पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप हमसे कॉल करके वो मंगवा सकते हैं, ठीक है। फिर भी टीएमए को लेकर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमारे नीचे यूट्यूब में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ भी आंसर देते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको आंसर दे देंगे। आप हमारी वेबसाइट www.missionguide.in पर भी जाकर आप हमसे वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम आपको वहाँ भी जवाब देंगे। हम NIS के स्टूडेंट्स को पूरी हेल्प करते हैं, उनकी पूरी परेशानियाँ होती हैं उनको सुनते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं कि 90%, 50%, 100% उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर भी एक दो केसेस होते हैं कि हम लोग नहीं कर पाते, बट उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हमारे यहाँ से मिल जाए।
ओके व्यूअर्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि 20 में से 20 नंबर कैसे लाए जाते हैं। और लास्ट में फिर से आपके लव और प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जिससे कि और स्टूडेंटों की इन्फॉर्मेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।